बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना है। जितने भी हमारे बिहार के स्टूडेंट है, बिहार बीपीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चे अधिक से अधिक मात्रा में कनेक्ट हो जाइए। और बिहार के बच्चे जो कि स्पेशली टीचिंग फील्ड से हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट वाली सूचना है। वो सूचना ये है कि बिहार के सीएम ने कहा है कि आप जो भी बच्चे, जो भी मतलब टीचर्स हैं अभी तक जिनकी रिक्तियां हैं, मतलब जो अभी तक वैकेंसी टीचर्स की पूरी फुल नहीं हुई है, उनको पूरी तरीके से फिल किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरीके का लॉस ना हो। ठीक है, और ये पूरा का पूरा उन्होंने चेक किया, ऑडिट किया और फिर उसके बाद पता चला कि टीचर्स की 1.5 लाख ऐसे पद हैं जो कि अभी तक खाली थे। तो 1.5 लाख पदों को भरने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने एक बैठक जारी करी है कि 1.5 लाख टीचर्स के पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए ताकि सभी बच्चों की पढ़ाई शुरू हो सके। और इसी के साथ साथ 7 चरणीय योजना है, बिहार की उद्यन योजना है। बिहार की उद्यन योजना की बात करें तो बच्चों के शैक्षिक विकास, बच्चों को प्रॉपर पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाए। और ये भी सीएम नीतीश ने कहा है अपने ही इसमें बैठक में विशेष ध्यान देने पर कहा है कि जो हमारे बच्चे उच्च माध्यमिक स्कूल में पढ़ते हैं, माध्यमिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो बिहार के बच्चों को गांधीवाद विचारधारा, सुभाष चंद्र जी के, जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं, मतलब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाओं का योगदान और जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिनका योगदान है, हमारे बच्चों को वो सब पढ़ाया जाए जिससे हमारे बच्चों के अंदर वो आदर्श बने और वो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही आगे बेहतरीन कार्य कर सके। इसी के साथ साथ बिहार के सीएम ने एक और बात को पॉइंट आउट किया है कि बिहार में वैसे तो पहले की अपेक्षा देखा जाए तो प्रजनन दर कम हुई है। ठीक है, प्रजनन दर कम हुई है, परंतु ये कहा जाता है कि जैसे ही छात्राएं और अधिक से अधिक शिक्षा को प्राप्त करेंगी तो छात्राओं की प्रजनन दर जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगी। भाई, एक लड़की जो है वो 15 साल में शादी कर रही है, 21 साल तक 4 बच्चों की माँ बन गई है। अब वही लड़की अगर 25-26 साल तक पढ़ाई करती है, ऑफिसर बनती है, तो अपना घर बढ़ाएगी, अपना देश बढ़ाएगी और उसी के साथ साथ जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है, वो भी पूरा कंट्रोल होगा और जो गरीबी रेखा है उससे भी ऊपर आएंगे। तो इस पर भी सीएम ने पॉइंट आउट किया है। और दूसरी चीज, बिहार के सीएम कहते हैं हालांकि अभी तक हमें केंद्र से फंडिंग प्राप्त नहीं हुई है, तो केंद्र से फंडिंग के लिए भी जल्दी से जल्दी लेटर लिखा जाए। तो ये पूरी सूचना है जो कि बिहार के सीएम ने वार्ता में, प्रेस वार्ता में बोला और हाई लेवल मीटिंग में बोला अपने राज्य की मंत्रियों के साथ। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं, ट्वीट किया हुआ है कि शिक्षा विभाग की समीक्षा की शिक्षकों की खाली पद को भरने का निर्देश दिया, खाली पद को भरने का निर्देश दिया गया। ठीक है, खाली पद को भरने का निर्देश दिया गया कि छात्रा छात्राओं के पठन पाठन में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर्स ही नहीं है। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसकी योजना शुरू की गई। ठीक है, बिहार के जो 7 चरणीय योजना है उसके अंतर्गत, ठीक है, और कई छात्र छात्राएं ये भी निर्देश दिया कि उसका लाभ उठा सके। देखो, ये बात मैंने बोली थी प्रजनन दर वाली, प्रजनन दर को कम करने में शिक्षा का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर किसी लेडी की जल्दी शादी होती है तो हमारा एक तो गरीबी भी बढ़ती है, पॉपुलेशन भी बढ़ती है, इलिटरेसी भी होती है। तो अगर आपको अपने देश में इलिटरेसी लेवल को अगर आप खत्म करते हैं, एजुकेशन को बढ़ाते हैं, तो एक साथ एक नहीं कई बेनिफिट्स होंगे, GDP बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा और एक महिला पूरे समाज को पढ़ा सकती है, सोसाइटी एजुकेट होगी और पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगी। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति,
मतलब अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी हैं, उन लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि ये हमारे देश का एक अहो दुर्भाग्य है कि जो निचला तबका होता है, जो वीकर सेक्शन होता है, वो व्यक्ति अपने अपने जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ ज़्यादा होता है, इस कारण से अल्पसंख्यक SC ST पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये देखिए, तेजस्वी यादव का आज मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सीमा को 2 लाख रिक्त पदों, जो कि हमारे CM ने अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख पदों के बारे में बात की है, 1.5 लाख से 2 लाख पद जो हैं वो निर्देश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इस टीचर की सीट्स को भरा जा सके, और इसी के साथ साथ हमारे स्टूडेंट को आगे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो भारत का बिहार का एक एक बच्चा पढ़ेगा, एक एक बच्चा आगे बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, हम सब बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद।